बरेली थाना फतेहगंज पूर्वी के नगरिया कला गांव के रहने वाले रामपाल पुत्र हिमाचल सिंह ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि बीती 1 अप्रैल को उसके घर पर कब्जा करने की नीयत से घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की और तमंचे से लैस होकर फायरिंग की। आगे बताया कि उसकी भाभी उषा देवी को बुरी तरह मारा पीटा और घर में आग भी लगा दी। फोन कर डायल 112 को बुलाया और सीओ को भी शिकायत की गई। आगे उसने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे घटनाक्रम को देखा मगर कोई कार्यवाही नहीं की, उल्टा उन पर झूठा मुकदमा लिख दिया। रामपाल सिंह ने आज एसएसपी ऑफिस पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने और झूठे मुकदमे को खत्म करने की गुहार लगाई है। राजपाल सिंह, राजपाल जी, क्या मामला है? सत्यवीर आरिंदर, इन लोगों ने हमारे मकान पर कब्जा करने चाह साहब, अच्छा हाँ, और आग लगा दी साहब। नगरिया कला राजपाल सिंह हमाला, अच्छा पूर्वी पूर्वी फतेहगंज। जमीन है या मकान है? क्या मकान है? मकान है। हमारी भाभी के लिए उषा को मारो, उषा देवी के लिए। और किसी को मारा? और मारा कानों में तो हमारे सभी परिवार। कौन लोग हैं जो पड़ता? आप पड़ोसी हैं या इस पर खानदानी है? जी सब हैं, तो पड़ोसी है। पड़ोसी है साहब, बहुत मारा पीटा। कब्जा कर रहे हैं आपके मकान पे? हाँ, सुबह 6 बजे आई है, फुटकुल्ला फुटकुल्ला फेंकने लगे और आरिंदन ने आग लगा दी, तब बच्चा चिल्ला पड़ा आरिंदन। अरे साहब ऐसा है, लल्लू सिंह, क्या मामला है? ये है मामला साहब, मतलब हमारे समय जान में बनते थे तो हमारी भाभी वो भाई दूर रही थी, तो उनको आके सुबह 7:30 बजे मारपीट करने गए थे हम लोग घर पर रहना। जब भाग के आए तब मारपीट करके भागे, तब ने एकदम घर में आग लगा दी। आग लगाए के जब मानो भादड़ इकट्ठे सब भाई, तब उन्हें अपने ही आरिंदन ने अपने ही पक्ष के फायर मार लिया और जाकर साथ मुकदमा लिखा दिया। कौन से गांव का मामला है? नगरिया कला का। जब हम वहाँ फतेहपुरी साहब, और जब हम थाने साहब पहुँचे तो मतलब हमारी तारीफ तक नहीं ली साहब, कहीं भाग जाओ तुम्हारे चोट किसी की नहीं। भाभी हमारी बहुत चोट हालत और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।